भीग गया क्या? नहीं 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 डेफिनेटली हमेशा हर सेलिब्रिटी को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत मायने रखता है क्योंकि हम जितना करते हैं वो सारी आवाम को दिखता है और वही चीज़ लोग सीखते हैं और जो दिखते नहीं हैं जो लोग दुनिया में लोग उनको जानते नहीं हैं और वो ये सब चीज़ें करने के लिए एक तरीके से उनको हिम्मत मिलती है कि हाँ अगर ये लोग कर रहे हैं अपना इतना वक्त निकाल के ऐसे काम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। देखिए मैंने हमेशा से बोला अवेयरनेस हर चीज़ की होना चाहिए चाहे वो सेक्स हो चाहे कुछ भी हो वो गलत चीज़ नहीं होती है। आपको हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं उनको ज़रूर सेक्स एजुकेशन दूँगी ताकि उनको आगे वो चीज़ पता चले और सेक्स गंदी चीज़ नहीं है। वो लोगों ने दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि ये गंदा होता है वो गंदा होता है लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो एटलीस्ट उनको ये सब पता होना चाहिए उनको बताना चाहिए कि आगे जाके आपके साथ ऐसा हो सकता है अगर किसी ने ऐसा किया तो कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है जो सेलिब्रिटी अगर बोलते हैं तो लोग ज़्यादा सुनते हैं तो आपको लगता है सेलिब्रिटी को मतलब आगे आना चाहिए इस कॉज के लिए जिस तरह से आप आई हैं? बिल्कुल सभी आते हैं। मैं क्या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं लाइक प्रियंका है मैं हमेशा उनकी पोस्ट देखती हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा अवेयर करते हैं पब्लिक को क्योंकि पब्लिक हमें फॉलो करती है और वो चीज़ जो पोस्ट होती है जो सोशल मीडिया पे हमारी बातें होती हैं वो पब्लिक को पता रहती है। इसके अलावा आप रैंप को वॉक करने वाली है और अवार्ड भी मिलने वाला है इस बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ मुझे तो मिल रहा है एंटरटेनमेंट का अवार्ड और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक शटर उसके लिए वॉक करूँगी ताकि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने कभी कभी मुझे रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं रुक नहीं पाई और मुझे जो अपनी लाइफ के अंदर जो अचीव करना है जो बोलना रहता था जो करना रहता था बिग बॉस के थ्रू मैंने बोला है और किया। सभी यहाँ पर आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं जी। बिल्कुल 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 आशीष सुधांशु एंड एवरीबडी हु हैज़ कम टू सपोर्ट आज जो आए हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुंबई शायद ये दूसरी बार आई होंगी क्योंकि मैं इंडिया में रहती नहीं हूँ एंड जी सिंगापुर से हूँ और जिस तरह से मुंबई ने अपना हार्ट इस कॉज के लिए खोला है वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड डेफिनेटली क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इन इंडिया इज़ दैट पीपल लिसन टू सेलिब्रिटी so when if the celebrities come forward and speak about it they will listen to it and they will follow aur bahut sare aise log hote hain jo trends follow karte hain jaise main apne relatives ko dekhti hu ya logo ko dekhti hu jaan pehchan ke wo kafi sare trends wagera follow karte hain jo celebrities follow kar rahe hote hain to you know for somebody like her who is already जैसे ये बता रही हैं कि इन्होंने बिग बॉस में जो कुछ भी किया जो कुछ सब अपना किया वॉट एवर बैरियर केम शी शैटर्ड एंड शी वेंट अहेड एंड शी डिड इट सो दैट कुड बी समथिंग विच वेमेन कैन रिलेट टू क्योंकि आजकल ये बहुत होता है देर इज़ अ ग्लास सीलिंग दैट एग्जिस्ट एंड शी हैज़ शैटर्ड इट एंड डेफिनेटली इफ शी स्पीक्स अबाउट इट देर विल बी मेनी अदर वेमेन हु वुड वॉन्ट टू शैटर इट। तो सेलिब्रिटी सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नॉट ओनली सेलिब्रिटी सपोर्ट वो सेलिब्रिटीज़ भी साथ में हैं साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ गए हैं कॉज के साथ वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं एक दिन यही देखूँगी कि हो सकता है काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए 53% से
ट्रांसफॉर्मेशन. आपने जस्टिन टिम्बरलेक को देखा है क्या पहले? इज लाइक प्योर ट्रांसफॉर्मेशन. एग्जैक्टली. Thank you. Have you got it? No?